चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथड असारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 3 तक नहीं देखा है तो किरण ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइए, वहां सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही बैक टू बैक आपके लिए क्लास लेके हाजिर होता रहूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, यानी कि मिल्क प्लस वाटर जो है ये 80 लीटर है। कितना है? 80 लीटर है। अब कह रहे इसमें मिल्क जो है 10% दूध है, यानी कि 80 लीटर में अगर 10% दूध है तो 10% का मतलब होता है 10/7, ये 20 कट जाएगा, यानी कि 8 लीटर इसमें क्या हो जाएगा, मिल्क कितना होगा, 8 लीटर इसमें दूध होगा। अगर मिल्क और वाटर 80 लीटर है और 10% दूध है, इसका मतलब है कि 8 लीटर उसमें दूध है और बाकी का जितना भी 72 लीटर क्या है, पानी होगा। अब प्रश्न में कह रहा है मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए, कितना दूध इसमें मिलाना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास दूध कितना है, हमने मान लिया कि इसमें 1 लीटर दूध को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कितना है दूध, 8 लीटर में और 1 लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। और टोटल जो है टोटल कितना मिल्क और वाटर का रेशियो है, तो 80+1 इसमें इतना मिलाना होगा। अब 80% अगर पानी मिलाना है तो 20% हम दूध मिलाएंगे, यानी कि 20% दूध मिलाएंगे कितने में है, 100 में। तो बस यहाँ से हमारे क्वेश्चन हो गया 20 × 5 = 100, यानी कि ये हो जाएगा 1/5। तो इधर गुना कर दिया 8 × 5 = 40 + 5 × 80 + x, एक्स को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x - x, और यह 40 कहाँ जाएगा, उधर 80 - 40 यानी कि 4x = 40, तो x = कितना हो जाएगा 10, यानी कि इसमें 10 लीटर और दूध मिला देंगे तो इसमें पानी की मात्रा कितने हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो 10, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है, 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वो कितने घंटे का समय लेगी। ठीक है, अब देखिए पहला कह रहा कि 21, फिर एक घंटा चला तो कितना बढ़ा, 3 किलोमीटर, 21 से क्या हो जाएगा 24, फिर अगला हो जाएगा 27, फिर अगला हो जाएगा 30, इसी तरीके से ये कहाँ तक चला गया, 252 किलोमीटर तक। कहाँ तक चला गया, ये 252 किलोमीटर तक चला गया। अब देखिए इसमें देखेंगे तो हमारा पहला पद क्या हो जाएगा, ए हमारा कितना हो जाएगा 21, डी की बात करें तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन सभी का सार्व अंतर जो है ये कितना आ जाएगा 30, टोटल एस की बात की जाए तो एस कितना है 252, क्या हो जाएगा 252, तो हमको एन निकालना है, एन बराबर क्या हो जाएगा। हम क्या जानते हैं कि एस बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d, इस इक्वेशन में एस हमारा कितना है तो 252 है, 252 बराबर एन हमको निकालना है, n/2 पहला पद कितना है ये है, तो 2 × 21 + n - 1 × d कितना है आपका, ये आपका 3 है। इसको अगर इधर कर दें तो करेंगे, इस 2 को इधर गुना कर दें तो ये हो जाएगा 2 × 4, 2 × 5 = 10, 0 हाथ में, 2 × 4 = 504,
ये एन हमारा यहाँ रहेगा, 21 दुना क्या हो जाएगा 42, प्लस ये हो जाएगा 3n माइनस का 3। अब देखिए यहाँ कितना है 504 है, ये आपका 42 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 39, यानी कि n इंटू 3n प्लस ये क्या हो जाएगा 39। अब देखिए यहाँ पे 504 बराबर, अगर यहाँ से 3n को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 3n को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 13, क्या हो जाएगा n प्लस 13, इस 3 से ये 504 को काट देंगे, कितना बार हम कट जाएगा 108 कितना बार में काट देते हैं, 3 × 3 = 18, 3 × 18 = 24, 168 बराबर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 13, क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 13। अगर देखिए अगर यहाँ पे जो n का वैल्यू अगर हम ऑप्शन से पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 × 8 = 21 होता है, 21 × 8 = 168, यानी कि यहाँ से n का मान हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, n का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि यदि x प्लस 1/x का मान 17 है तो कह रहा है कि x के पावर 4 प्लस 1/x² − 3x + 1 का मान क्या होगा, इसका मान हमसे पूछ रहा है। अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहीं से इसी से हमारा आंसर निकालना है, जबकि हमारे पास x प्लस 1/x का मान कितना दिया है 17 दिया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x³ + यहाँ क्या बचेगा 1/x² है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल में आके इसको काट देगा, तो ये हो जाएगा x³ + 1/x³। अब देखिए इस वाले इक्वेशन से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x - 3 प्लस इसमें 1 है, तो ये इसके मल्टीपल में रहेगा, तो ये x क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए ये x और ये x आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, जब कट जाएगा तो देखिए a³ + b³ होता है, तो ये होता है a+b³ - 3ab × a+b, a³ + b³ का फॉर्मूला यही होता है, तो ये क्या हो जाएगा x + 1/x³ - 3ab करेंगे ab, यानी कि x × 1/x × x + 1/x कह सकते हैं, ये x कट जाएगा यानी 3 × x + 1/x होगा, नीचे क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा x + 1/x - 3, बात समझिए। अब देखिए हमारे पास x + 1/x का मान कितना दिया है 17 दिया है, तो ये हो जाएगा 17 का क्यूब माइनस 3 × 17 / 17 − 3। अब 17 का क्यूब कितना होता है, तो 17 का क्यूब होता है 49 × 13, 17 × 3 = 51, 17 में से 3 जाएगा आपका 14 हो जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसको हल करते ही आपका आंसर आ जाएगा, वो आपका इसका आंसर का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि यदि 2 × x² + 1/x² − 2 × x − 1/x − 8 का मान 0 है तो x − 1/x के दो मान क्या संभव होंगे। अब देखिए इसके दो मान x − 1/x के जो दो मान होंगे वो क्या संभव होंगे ये देखें। अब देखिए क्या प्रश्न में एक चीज यहाँ पे आपको मैं पॉइंट कर दूं, अगर x − 1/x का मान a होता है तो x² + 1/x² का मान क्या होता है a² + 2 होता है, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के रूप अगर हमने इस x² + 1/x² को अगर हम a² + 2 मान लें, ये क्या हो जाएगा 2 × a² + 2 माइनस का 2a हो जाएगा, ये x - 1/x क्या कर लेंगे a, तो ये क्या हो जाएगा a - 8
बराबर जीरो। अब देखिए दो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये दो ए स्क्वायर प्लस दो दो न चार माइनस का टू ए माइनस का आठ बराबर क्या हो जाएगा जीरो। अब ये चार ये माइनस आठ क्या हो जाएगा दो ए स्क्वायर माइनस का दो ए माइनस का चार बराबर जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। अगर दो से काट दें इन सभी को ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस दो बराबर जीरो। अब इसका फैक्टर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए है, माइनस यहाँ ए आना चाहिए तो माइनस का टू ए प्लस ए माइनस दो बराबर जीरो। यहाँ से ए कॉमन हो जाता है ए इंटू ए माइनस दो प्लस यहाँ ए इंटू ए माइनस दो बराबर जीरो। यहाँ से क्या निकल के आया ए माइनस टू इंटू ए प्लस वन बराबर जीरो। अगर ए प्लस वन बराबर जीरो करेंगे तो ए का मान क्या निकल के आएगा माइनस ए, अगर ए माइनस दो बराबर जीरो करेंगे तो ए का मान क्या निकल के आएगा दो, यानी दो मान क्या संभव है तो एक माइनस वन और दूसरा दो, एक माइनस वन और दूसरा दो यानी कि ऑप्शन माइनस वन और दो यानी कि एक माइनस वन और एक दो यानी कि ऑप्शन एक जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीस। क्वेश्चन नंबर तीस कह रहा है कि कोसेक के पावर सिक्स ए माइनस कोट के पावर सिक्स ए माइनस थ्री कोसेक स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए का सरलीकृत मान क्या होगा। देखिए एक चीज यहां पे आप समझ जाइए कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन होता है। देखिए यहाँ पे कोसेक और कोट का ही रिलेशन दिया हुआ। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होता है वन होता है। अब देखिए इसको देखेंगे तो अगर हम कह सकते हैं इस वाले इक्वेशन को अगर हम कोसेक स्क्वायर ए का क्यूब दे दें लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए का क्यूब माइनस इसे थ्री कोसेक स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो इसे मल्टीपल में लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इसलिए यहाँ पे हमने बढ़ा के लिख लिया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है वन होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। लेकिन हमारा इक्वेशन एक चीज यहाँ कम्प्लीट है। अब देखिए अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो अगर हम इसे कहें ए मान लें तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा बी क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इसका जो इक्वेशन होता है ये ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का होल क्यूब। अब देखिए कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होता है वन होता है तो वन का क्यूब क्या हो जाएगा वन, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन चार आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि अंडर रूट सेक ए माइनस वन बट्टा सेक ए प्लस वन का सरलीकृत रूप क्या हो। अब देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं हम वन बट्टा कॉस लिख सकते हैं तो वन बट्टा कॉस माइनस वन, इसको भी लिख सकते हैं वन बटा कॉस ए प्लस वन। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस ए बटा कॉस ए बटा नीचे हो जाएगा ये कॉस इसका एलसीएम हो जाएगा ये वन प्लस कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए कट जाएगा यहाँ पे आपका बच जाएगा वन माइनस कॉस ए बटा वन प्लस कॉस ए। अब देखिए इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो इसका उल्टा से करेंगे तो वन माइनस कॉस ए बट्टा वन माइनस कोस ए। ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाला हो जाएगा वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टा नीचे वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और दोनों का स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा वन माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए।
इसको लिख दीजिए 1 बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए। अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन होता है, कॉस बटा साइन ए कॉट होता है, 1 बटा साइन ए क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यानी कि ऑप्शन एक जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि यदि टैन ए बराबर 1/2, टैन बी बराबर 1/3, तो टैन 2a प्लस बी का मान क्या होगा। अब देखिए टैन 2a प्लस बी का मान क्या होगा, हम जानते हैं कि टैन ए प्लस बी जो होता है, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी बट्टा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, यही होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें टैन ए यानी कि 2a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टैन 2a प्लस टैन बी इंटू टैन 2a इंटू टैन बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टैन 2a आ रहा है, तो टैन 2a बराबर क्या होता है, टैन 2a बराबर हो जाएगा ये 2 टैन ए बट्टा 1 माइनस टैन स्क्वायर ए होता है, यानी कि टैन 2a का मान यहाँ पर निकालना हमारा कंपलसरी हो जाएगा। टैन ए का मान कितना दिया है 1/2 दिया है, तो 2 गुना 1/2 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया 1/2, 2 दूना 4 1 माइनस 1/4 4 में माइनस 1 3/4 1/3/4 यानी कि 4 ऊपर जाए 4/3, यानी कि टैन 2a का मान हमारा आ गया 4/3। तो कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है 4/3 प्लस टैन बी का मान कितना है 1/3 बट्टे में 1 माइनस 4/3 गुना टैन बी का मान है 1/3, ये हो जाएगा 4 × 5/3 3 × 3 = 9 यानी कि 1 − 4/9 9 में से 4 गया 5/9 यानी कि 5/3/5/9 इसे लिख सकते हैं 5/3 गुना 9/5 5 कट गया 3 × 9 यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है 3/7 5/11 6/13 में कौन से भिन्न सबसे बड़ा है। देखिए बड़ा निकालने के लिए पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 × 3 = 33 7 × 5 = 35 यानी कि सबसे बड़ा संख्या क्या है ये है 5/11 है। अब 5/11 और 6/13 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 13 × 5 = 65 11 × 6 = 66 यानी कि सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा 6/13 जो होगा ये सबसे बड़ा संख्या होगा, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 4² माइनस 3² प्लस 6² माइनस 5² प्लस 8² माइनस 7² इसको इस तरीके से कर दीजिए 4² = 16 3² = 9 16 − 9 6×36 माइनस 25 8×64 माइनस 7×49 16 में से 9 गया 7 36 में से 25 गया आपका 11 और 64 में से 49 गया 14 में से 9 गया 5 यानी कि 15 जोड़ दीजिए 11 × 7 = 18 18 × 15 कितना हो जाएगा 8 × 5 = 13 हाथ में 1 यानी कि 33 33 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि x तथा y मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिख लीजिए x प्लस y मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, y प्लस z मिलकर किसी काम को 12 दिन में, और x तथा z मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो x, y और z सबसे अधिक x, y तथा z में सबसे अधिक कार्य कुशल कौन सा है, यानी कि x, y, z में सबसे कार्य कुशल कौन सा है। देखिए 9, 12, 18 का अगर हम LCM लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। अगर x प्लस y की क्षमता देखें
तो क्षमता हो जाएगा 36/9 यानी कि 4। वाई प्लस जेड की क्षमता देखें तो 36/12 यानी कि 3। और एक्स प्लस जेड की क्षमता देखें तो 36/18 यानी कि 2। अब ये हो गया 2, 3, 5, 4, 9, इन तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 9। लेकिन ये चीज देखिए, 2x है, 2y है, 2z है, तो ये आ जाएगा 2x + y + z। तो यहाँ से x + y + z यानी इन सभी का एफिशिएंसी आ जाएगा 9/2 यानी कि 4.5। बात को समझिएगा, यानी कि x + y + z का जो एफिशिएंसी है कितना है, 4.5 है, यानी कि तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दिया जाए तो 4.5 है। लेकिन इस प्रश्न में देखिए, x + y का कह रहा है कि 4 है, x + y का 4 है, इसका मतलब है कि z का कितना हो जाएगा, 1.5। तो z का सबसे पहले हमने निकाल लिया, इसकी एफिशिएंसी क्षमता कितना है, 1.5। अब देखिए y + z का कितना है, y + z का 3 है, तो इसका 0.5 होगा, ये 4 है तो ये 0.5 होगा, ये 0.5 है, ठीक है। अब देखिए y + z का 3 है तो x का देखा जाए तो x का आ जाएगा 1.5। अब x और z का 2 है तो y का कितना आ जाएगा, 2.5। तो y का कितना आ जाएगा, 2.5। यानी कि सबसे कार्य कुशल जो है वो आपका वाई है, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 12 घंटा तथा 36 घंटा में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइपों को खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हमने जाना पी को कितना समय लगता है, तो 12 घंटा, क्यू को कितना समय लगता है, तो 36 घंटा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर पी की क्षमता देख लिया जाए तो पी की क्षमता क्या होगी, 36/12 यानी कि 3, और क्यू की क्षमता होगी 36/36 यानी कि 1। अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पी प्लस क्यू की क्षमता एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। 4 के एफिशिएंसी से ये दोनों 36 लीटर मान लीजिए पानी भरना है, तो 4 के एफिशिएंसी से कितना देर में भर देंगे, 36/4 यानी कि 9 घंटे में इसका काम तमाम कर देंगे, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 cm² है तथा बेलन की ऊंचाई 10 cm है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, तो ये 2πRH होता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको कितना दे दिया है, 440 दिया हुआ है, 2π का मान 22/7 लेते हैं, आर हमसे निकालने के क्या आ गया है, ऊंचाई कितना दे दिया है, बेलन का ऊंचाई 10, तो ये 10 पहले 0 से 0 काट दीजिए, 22 × 44 काट दीजिए एक बार में, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7, यानी कि त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, तो 7 cm। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला याद रखना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 3960 तथा 3600 रुपया है, यानी कह रहा है सेलिंग प्राइस 3960 तथा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 3600 रुपया है, यदि डिस्काउंट 12% दिया जाता है तो उसका अंकित मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है। अब देखिए 12% का छूट दिया जाता है तब सेलिंग परसेंट कितना है, 3960 है, यानी कि 88% का वैल्यू अगर हम देखें तो ये कितना है, 3960 है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू देखें तो 3960/88, और यहाँ 100% का वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, 3960 × 100/88। अब देखिए 2 से काट दीजिए, काट देंगे 9, 3, 12, 6, 18, 4 से काटेंगे तो 4 × 8, 4 × 8, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 2 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 11 बार में, 2 × 2, 2 × 8, 2 × 8, 16, ये 1480 हो गया।
अब ये कट जाएगा, 11 से कटेगा 25 और 2 एकम 2 दुनावा 18 सॉरी ये दुनावा 18 ठीक है, ये कट जाएगा 11 से कट जाएगा आपका 11 8 11 एकम 11 11 8 88 यानी 180 बार में कट गया। अब 180 को 180 को 25 से गुना कर देंगे 5 0 0 8 9 40 के 0 8 4 5 9 2 0 0 2 8 16 6 9 1 2 1 3 0 0 9 6 15 5 8 45 यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 4500 आ गया, यानी कि इसका जो कीमत कितना था 4500। और कॉस्ट प्राइस यानी MRP की वैल्यू देखें तो MRP कितना था 4500 और कॉस्ट प्राइस कितना है 3600। कितना का अंतर है जी 3600 और 4500 में 900 का अंतर आ रहा है किस पे 3600 पे, तो 100% पे कितना अंतर आ जाएगा 9 4 36 400 कर दीजिए 25 बार में, यानी उसका कीमत कितना परसेंट बढ़ाया गया था तो 25%, तो 25% यानी कि ऑप्शन एक जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5500 रुपया है, यदि उसे 9.09% के लाभ पर बेचा गया, फिर यदि उसे वस्तु को 20% की छूट पर बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना दिया है तो 5500 रुपया दिया है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखिए, 100 कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो 9.09% लाभ पर बेचा जाएगा तो 109 रुपया 9 पैसा में बेचा जाएगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 55 है, यानी कि ये 55 गुना है तब तो 5500 रुपया है, यानी अगर इसका 55 गुना हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5999 × 95, यानी इसे हम 6000 रुपया मान लेते हैं अगर सेलिंग प्राइस 6000 रुपया हो गया तो। चलिए अब देखते हैं कि 20% की छूट पे बेचा जाता है तो वस्तु का 20% छूट पे बेचा जाएगा तो वस्तु को कितना बेचा जाएगा, 80% का जो वैल्यू होगा ये कितना के बराबर होगा तो ये आपका 6000 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, ये आपका 6000 के बराबर होगा, यहाँ से 1% की बात की जाए तो 6000/80 होगा, और यहीं से अगर 100% की बात की जाए तो ये गुना में 100 हो जाएगा, 20 4 80 20 5 100 4 से कट जाएगा ये 1500 में, 15 5 75 100 यानी उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा यानी 7500 हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है कहता है कि x तथा y के प्राप्तांकों का अनुपात क्रमशः 3:11 है, x और y का अनुपात जो है 3:11 है। कह रहा है यदि x के प्राप्तांक 9 है, x के प्राप्तांक 9 है तो y के प्राप्तांक, देखिए x का प्राप्तांक 9 है यानी ये कितना गुना है तो 3 गुना है, तो y का भी कितना हो जाएगा 3 गुना यानी कि 33 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है यदि u अनुपात v बराबर 6:7 हो, v अनुपात w बराबर 21:6 हो तो यू वी डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए। यू वी डब्ल्यू देखिए, यू वी और डब्ल्यू, यू वी का कितना दिया है 6:7 दिया है और वी डब्ल्यू का कितना दिया है 21:6 दिया है, 21:6 इसके अंदर कुछ नहीं है तो 7 रख देंगे, इधर आपका 21 रख देंगे, गुना कर देंगे 6 × 6 6 × 12 7 × 7 7 × 14 7 6 42 हो गया। अब ये क्या किसी से कटेगा या इसका ही मान यही आ जाएगा, तो ये किससे कटेगा 4 1 5 7 5 12 1 2 3 6 3 9 4 3 से कट जाएगा, 3 4 12 3 9 6 3 4 12 3 9 27 और 3 से कट जाएगा ये आपका 14 3 42 एक बार और का 7 6 42 7 7 49 7 2 14 6:7:2 यानी कि ऑप्शन 4 जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि ए एक व्यक्ति 1 रुपया में 10 संतरे खरीदता है तथा 1 रुपया में 8 संतरे बेचता है तो लाभ क्या हो जाएगा। अब देखिए 1 रुपया में 10 संतरे खरीदता है और 1 रुपया में
8 संतरे को बेचता है। बात को समझिएगा, यानी कि अगर हम इसे पैसा में कह दें तो ये 100 पैसा में 10 को खरीदता है और 100 पैसा में 8 को बेचता है। तो एक का कीमत देखा जाए तो 100/8 यानी कि 12.5 रुपया एक का कीमत हो गया। लेकिन वो खरीदा था कितना में, एक जो है 10 पैसा में खरीदा था और 12.5 पैसा में बेच रहा है, यानी अगर उसका कॉस्ट प्राइस देखा जाए तो 10 पैसा है और सेलिंग प्राइस 12.5 है। इन दोनों में अंतर कितना का है, तो 2 रुपया 50 पैसा का अंतर आता है 10 रुपया में, तो 100% पे कितना आ जाएगा, यानी उसे 25% का प्रॉफिट होता है। कितना का होता है, 25% का। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, इसको मिटा देते हैं और यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा देर में ही थोड़ा सा ही में बन जाएगा। क्वेश्चन 43 कहता है, एक पंखा जिसका क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य कितना है 1200, तो 1500 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका 1500 है, तो लाभ प्रतिशत क्या आ जाएगा। अब देखिए 1200 रुपये के सामान को आप 1500 रुपये में बेचते हैं तो कितना आपका फायदा होता है, 300 फायदा होता है, किसके रेस्पेक्ट में, तो 1200 में, तो 100% में आपको कितना फायदा होगा, 300 × 12 = 400 कर दिए 25, यानी यहाँ भी आपको कितना परसेंट का फायदा होता है, तो 25% का यहाँ भी आपको फायदा होता है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि यदि पी क्यू से 25% कम है, पी जो है क्यू से 25% कम है, यानी क्यू अगर 100 है तो पी कितना होगा, 75 होगा, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है, क्यू जो है पी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है 75 के रेस्पेक्ट में, तो 100% में कितना है, 25 × 75 यानी कि 100/3 यानी कि 33.33% क्या है, अधिक है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, यदि वाई एक पूर्णांक है तो वाई क्यूब माइनस वाई सदव किसका गुणज होगा। अब देखिए अगर इसको हम 0 के बराबर कर दें, यहाँ वाई कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर, या इसे हम वाई क्यू माइनस वाई बराबर 0 कर दें, तो अगर हम वाई का मान अगर 0 रखते हैं तो ये भी 0 होगा, वाई बराबर 1 करते हैं तो क्यू 1 - 1 यानी कि 0 होगा, अगर वाई बराबर 2 करते हैं तो 2 का क्यूब - 2 यानी 8 - 2 = 6 यानी कि वो 6 के हमेशा गुणज में रहेगा, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में के गुनी हो जाती है, तो 30 वर्ष में वो कितनी गुनी होगी। देखिए 5 वर्ष में अगर ये के गुनी हो जाता है तो 30 वर्ष में कितना है, 30 यानी कितना गुना है, 6 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 × k^6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k^6 हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि नीचे दिए गए वृत्त चित्र में अमन द्वारा 5 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया, प्रत्येक परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 100 है, अमन द्वारा गणित में प्राप्तांक विज्ञान में प्राप्तांक से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। गणित की बात की जाए तो गणित में कितना लेके आया है, तो गणित में आपका 90 और विज्ञान में कितना लाया है, 75, कितना ज़्यादा है यानी कि 15 ज़्यादा है किसके रेस्पेक्ट में, तो ये आपका कितना प्रतिशत है, 90 के रेस्पेक्ट में, तो 100% पे क्या हो जाएगा, 75 में ज़्यादा है, कितना है, 15 ज़्यादा है, ये हमसे पूछ रहा है कि विज्ञान में प्राप्तांक से प्रतिशत, तो विज्ञान में 15 ज़्यादा है विज्ञान के रेस्पेक्ट में, तो 100% पे कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 = 520 यानी कि 20% ज़्यादा है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि एक भाजक भागफल का 50 गुना है और शेष का 10 गुना है, यदि भागफल 32 है तो भाज्य क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही होता है।
अब देखिए भाजक जो है, भाजक यहाँ पे भागफल का पचार है, भाजक जो है, भाजक की बात की जाए तो इसको कह रहा है कि ये भागफल का 50 गुना है, तो ये 32 गुना 50 हो जाएगा, यानी कि 1600 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शेष का 10 गुना है, यानी भाजक जो है, ये भाजक जो है शेषफल का 10 गुना है, यानी कि शेषफल का अगर ये 10 गुना भाजक 1600 है तो शेषफल कितना हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, शेषफल हो जाएगा 160। अब हमारा भाजक कितना है, भाजक हमारे पास कितना है, भाजक हमारे पास 1600 है, 1600 भागफल 3200 शेष 160, इसको गुना भाग कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 32 को 16 से गुना करेंगे 6 दुनी 12 के 2 हाथ में 1 6 18 1 19 2 3 2 9 11 के 1 हाथ में 1 3 4 1 5 ये हो जाएगा 51200 प्लस 160 इसमें जोड़ देंगे ये हो जाएगा 0 6 3 51360 इसका सही आंसर हो जाएगा 51360 यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 16 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा, क्या करेंगे 54 को 16 से भाग देंगे 16 3 48 शेषफल 6 यानी कि शेषफल क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 ये अंतिम क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं को वर्गों का योग 100 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो द्विसंगत संख्या क्या हो जाएगी, हमने एक्स में मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो वाई वाई स्क्वायर कट जाएगा यानी कि 2x स्क्वायर बराबर 128 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 6 12 2 4 8, तो x का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब x का मान हमारे पास 8 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 8 8 64 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, तो वाई बराबर क्या हो जाए, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 36, तो वाई बराबर 6, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई यानी कि 8 प्लस 6 यानी कि 14 हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।